अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्न विद मीरा। उम्मीद है आप सब लोग कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो एक दो बार फिर मैं JPX एक जापान एक्सचेंज का आपके सामने रिव्यू अपडेट लेकर आई हूँ। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था और अभी पहले सबसे पहले इसको का जो मेथड है इसको रजिस्टर करने का है। तो जिसका रजिस्टर नहीं हुआ हुआ वो इसे रजिस्टर कर ले और जिसका लॉगिन है वो इसको लॉगिन कर ले। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर आपने इस पर क्लिक करना है, अपना फ़ोन नंबर देना या ईमेल भी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट कोड है, आपने जो है यहाँ पे कोड करना है, इनपुट पासवर्ड करना है, फिर उसको री इनपुट पासवर्ड करना है, उसके बाद एक्चुअल कोड ऑप्शन ये सारा रजिस्टर कर लेना है। तो मेरा लॉगिन है, मैं इसको अभी लॉगिन करती हूँ। तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया, आप देखते हैं अपनी साइट की तरफ चलते हैं। ये इस तरह से लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद JPX हमारे पास आ गया। इसका लॉन्ग टाइम, इसकी डेली एज जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसका सब कुछ दिया हुआ है, विड्रॉ सेफ्टी लेवल सारा कुछ इसके बारे में बताया हुआ, आप इसे देख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले जो है इस JPX में पंप एंड डंप के बारे में बताया था, इस जो पहले रिव्यू दिया था JPX का पंप एंड डंप गेम के बारे में बताया था। तो हम चले पंप एंड डंप के तरफ दोबारा चलते हैं। तो पंप एंड डंप जो है पहले बिटकॉइन BTC में था, पंप एंड डंप इथरम में भी कर सकते हैं आप इसको, इसमें इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो अब इसका अपडेट है वो रेड एंड ग्रीन गेम। पहले हमने पंप एंड डंप गेम खेली थी, अब हम जो है रेड एंड ग्रीन गेम खेलेंगे। तो इस रेड एंड ग्रीन गेम की तरफ मैं आई हूँ। और यहाँ पे देखें, अगर जब आप इसे ओपन करेंगे इस तरह से आपके पास जो है शो हो जाएगा। जापान एक्सचेंज में रेड एंड ग्रीन गेम की तरफ आई हूँ। यहाँ पे आपको BTC USDT बैलेंस जो है शो हो रहा है। मेरे पास 550 USDT हैं, इसमें हम लोगों ने डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट जो है आपकी मर्जी, आप जितने भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे BTC के यहाँ पे प्राइस का एक चार्ट नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल्स हैं। जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो पंप को शो करती हैं जो कि इंक्रीज होता है, और जो रेड कैंडल है वो डंप को शो करती हैं जो कि डिक्रीज होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है टाइमिंग भी है शो हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको टाइमर नज़र आ रहा है। ये प्रोसेस 59 सेकेंड्स का होता है सॉरी। तो इसमें हमने जो है पंप और डंप गेम खेलनी है, इसमें पैसे जो है वो अपने जो डॉलर्स हैं वो डिपॉजिट करने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पंप एंड डंप गेम में। इस तरह ये रेड एंड ग्रीन भी सेम वैसे ही गेम है। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट ऑर्डर स्टार्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे इसके यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे अपना अमाउंट डिपॉजिट अपनी अमाउंट एंटर करके बाय करके पंप करना चाहेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा, डंप करना चाहेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। वो हम गेम खेलेंगे तब हमें पता चलेगा कि पंप करें कि हमारे पास क्या जो है। अगर मैं इसे पंप करती हूँ अमाउंट करके इसे पंप करती हूँ तो 59 सेकेंड्स के बाद मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो है इंक्रीज़ किया, मैं जीत गई इस गेम में या हार गई। अगर मैं जीत जाऊँगी तो मुझे जिसे मैंने डिपॉजिट किया उससे थोड़े से मतलब पैसे मुझे डॉलर ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर मैं हार गई तो मैं हार चुकी होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर्स भी है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, जिसमें इसकी हिस्ट्री है, इसकी इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे सारी बताए हुए कि रेड और ग्रीन गेम है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है इस गेम के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही है सारा। इसे आप इसके इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, इसे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो देखते हैं कि अब हम पंप और डंप कर देखते हैं ये क्या होता है, हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, हम इस गेम में जो है विन करते हैं या नहीं करते। अब आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल्स हैं इस तरह से हैं, यहाँ पे इस तरह से ये ग्रीन कैंडल इधर है और यहाँ पे इतने हैं 44 13 इस डॉलर इतने हैं, ये 24 है सारा। तो मैं इसको पंप करके दिखाती हूँ आपको, जब मैं इसे पंप करूँगी तो क्या होगा। इस तरह से मैंने इसको पंप कर दिया, जैसे मैंने $1 इस पर जो है इन्वेस्ट किया तो मेरे पास 49 USDT हो गए, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। पहले 50 USDT थे, तो आफ्टर 59 सेकेंड्स जो है मेरे पास रिजल्ट शो आउट हो जाएगा कि मैंने मतलब क्या
जीता और क्या खोया क्या पाया, तो इससे पता चल जाएगा कि हमने मैंने विन किया है या विन नहीं किया, इससे पता चल जाएगा। जैसे कि आपको इस कैंडल्स में शो चेंजिंग नज़र आ रही है, पहले किस तरह की थी ये कैंडल्स और आप किस तरह की हो गई हैं, तो ये रेड एंड ग्रीन गेम है इस तरह का है। हम अगर इस पर, वो आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी आप इस पर डिपॉजिट कर सकते हैं, पंप करें या तो पंप करें या डंप करें, पंप करेंगे तो इंक्रीज़ होगा और वो रिज़ल्ट हमें उसके रिज़ल्ट पर शो होगा कि वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो अब मेरे पास आफ्टर 59 सेकेंड्स रिज़ल्ट शो होगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या रिज़ल्ट है और क्या हमने उसको विन किया है या नहीं। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। हमने पंप किया था लेकिन जो है हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पंप ही इंक्रीज़ होना चाहिए था, हमें जो है इसे हम विन कर जाते, लेकिन जो रिज़ल्ट के मुताबिक जो है डंप हो गया। मैं इस गेम में हार चुकी हूँ, तो मुझे जो है कोई बोनस या कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से जो है आप भी इस गेम को खेल कर इसका हिस्सा बन सकते हैं, पंप और डंप करके। रेड एंड ग्रीन गेम जो है वो बहुत ही अच्छी गेम है, और JPX जो है एक न्यू वर्जन लाया है। जैसे पहले पंप एंड डंप था, मैंने उसका रिव्यू दिया था, वो कंप्लीट बताया था कि किस तरह का है, इस तरह से अब रेड एंड ग्रीन गेम है। तो रेड एंड ग्रीन में गेम में आप इस तरह से खेल कर उसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अच्छी गेम है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसे इस पर जो है खेलेंगे इस गेम को, तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा, और जो है आप इसे विन भी कर सकते हैं, इसकी विनिंग चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो लक पर डिपेंड करता है कि हम इसको जो है विन किया या नहीं किया। तो मैं तो हार चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया है। तो इस तरह के जापान एक्सचेंज बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये जो है हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे गेम्स लाता है, पहले भी मैंने आपको पंप एंड डंप बताया था, रेड एंड ग्रीन है। इस तरह से और भी गेम्स ये लाता रहेगा। तो आज की मैंने आपको इस गेम बारे में कंप्लीट रिव्यू दिया, ये किस तरह का जो है प्लेटफॉर्म है, किस तरह का एक्सचेंज है। तो आज की वीडियो एंड हुई, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द और वीडियो के साथ आऊँगी। बाय।